हेलो डियर लर्नर्स, आई एम डॉक्टर अखिलेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, हल्द्वानी, उत्तराखंड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फाइव एज ऑफ टूरिज्म। जैसा कि हमें पता है कि फाइव एज ऑफ टूरिज्म अट्रैक्शन, एकोमोडेशन, एसेसिबिलिटी, एमेनिटीज और एक्टिविटीज़ हैं। अट्रैक्शन, एकोमोडेशन और एसेसिबिलिटी हम ऑलरेडी कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम एमेनिटीज और एक्टिविटीज के बारे में भी बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अट्रैक्शन से। अट्रैक्शन को हम रिसोर्स भी कह सकते हैं, टूरिज्म प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूज जो है कि नहीं रहना है। टूरिज्म अट्रैक्शन, टूरिज्म प्रोडक्ट और टूरिज्म रिसोर्स ऑल आर सेम थिंग्स, ठीक है। अट्रैक्शन को हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो अट्रैक्शन जो कि नेचर द्वारा निर्मित होते हैं, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल टूरिज्म अट्रैक्शंस। दूसरे जो अट्रैक्शन के टाइप है वो है मैन मेड टूरिज्म अट्रैक्शन। मैन मेड टूरिज्म अट्रैक्शन वो अट्रैक्शन के टाइप्स हैं विच आर क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स। तीसरा है सिम्बॉयटिक और मिक्स्ड नेचर टूरिज्म अट्रैक्शंस। तो ये वो टूरिज्म अट्रैक्शन है जिसके जिसके निर्माण में मनुष्य और प्रकृति दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल टूरिज्म अट्रैक्शंस के बारे में। तो पहला जो नेचुरल टूरिज्म अट्रैक्शन है वो है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में हम किसी भी तरह का एरिया जहाँ पे नेचुरली कोई जो है कि वाटर जो है कि इकट्ठा हो जाता है, उस एरिया को हम लोग वाटर बॉडी कहते हैं। इसमें हम लोग ओशियन, सी, रिवर, लेक्स, वाटरफॉल और नेचुरल पॉन्ड, सब तरह के जो भी एरिया हैं जहाँ पे वाटर फिल रहता है उसको जो है कि हम वाटर बॉडी कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ओशियन का। जैसे हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है कि बहुत सारे ओशियंस सिचुएटेड हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो इनको देखने के लिए टूरिस्ट जाते हैं। बहुत सारे लोग जो सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन उसको देखने जा सकते हैं। बहुत सारे इंडियंस इंडियन ओशियन को देखने जाते हैं क्योंकि वो इंडिया के नाम पर रखा गया है और इसके अलावा इंडिया के साउदर्न पार्ट में है, ठीक है। तो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से लोग जो है कि इन ओशियंस को देखने के लिए जाते हैं। और इसके बाद सीज हैं, ऐसा कि हमें पता है इंडिया को साउथ में टू पार्ट से, टू एरिया से जो है कि टू सी कवर करते हैं। ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी, ये इंडिया को जो है कि कवर करते हैं। तो बहुत सारे टूरिस्ट इन सी को देखने के लिए, इन सी के वाटर को देखने के लिए जो है कि साउथ में ट्रैवल करते हैं। बहुत सारे लोग, जैसा पता है हमें, केरला, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जो है कि ट्रैवल करते हैं। फिर रिवर्स हैं, बहुत सारे लोग जो है कि डिफरेंट रिवर्स को देखने के लिए ट्रैवल करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग नर्मदा रिवर को देखने के लिए, बहुत सारे लोग गंगा रिवर को क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली ये रिवर है, यमुना रिवर को देखने जाते हैं बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, क्योंकि अभी हमें पता है कि यमुना रिवर जो है कि मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में से एक है। तो बहुत सारे रिसर्चर्स जो है कि ये देखने के लिए जाते हैं कि कैसे पॉल्यूशन जो है कि इसको इफेक्ट कर रहा है, कैसे इसको जो है कि ठीक किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी लोग जो है कि जाते रहते हैं, ठीक है। फिर है लेक्स। लेक्स जैसा हमें पता है कि बहुत सारे सिटीज जो है कि लेक्स के लिए पॉपुलर होते हैं, जैसे कि भोपाल सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। फिर नैनीताल, नैनीताल में 7 से ज़्यादा लेक्स हैं, तो यहाँ भी बहुत सारे टूरिस्ट जो है कि इन लेक्स को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा नेचुरल लेक्स और मैन मेड लेक्स, इस ऐसे हम जो है कि डिवाइड कर सकते हैं लेक्स को। बहुत सारे लोग जैसे चंडीगढ़ जाते हैं सुखना लेक को देखने के लिए, जो कि मैन मेड है, ठीक है। फिर बड़ा ताल है भोपाल में, वो भी मैन मेड है और बहुत बड़ा ताल है, बहुत बड़ा लेक है, उसको भी देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। तो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग वहाँ पर जाते हैं। फिर वाटरफॉल, वाटरफॉल जैसा हमें पता है ये नेचुरली बनाए जाते हैं, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं और इसमें ह्यूमन का कोई जो है कि कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। तो वाटरफॉल कैसे ऊपर से गिर रहा है उसकी ब्यूटी को निहारने के लिए, उसकी ब्यूटी को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर जैसा हम जानते हैं नेचुरल पॉन्ड्स, बहुत सारे जो हम जानते हैं कि हमारे विलेज वगैरह में पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा, ताकि उनको खेती करने में जो है कि आसानी रहे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे जो पॉन्ड्स हैं वो नेचर द्वारा भी निर्मित किए जाते हैं, जो कि किसी प्राकृतिक घटना के कारण जो है कि पॉन्ड वहाँ पे बन जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह के कारण। तो इन सब जो पॉन्ड्स हैं जो नेचर द्वारा निर्मित हैं उनको देखने के लिए भी
बहुत से टूरिस्ट नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शंस पर जाते हैं। फिर आइलैंड्स हैं, जैसा हमें पता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लोरा फोना स्पीशीज है, यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स के जो जो लोग रहते हैं वहाँ पे, ट्राइबल्स हैं हमारे, उनको देखने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में भी, अफ्रीकन कंट्रीज में भी जो आइलैंड्स हैं वहाँ भी बहुत से लोग जाते हैं। फिर प्लेटू, जैसा हमें पता है कि साउथ इंडिया प्लेटूज के लिए पॉपुलर हैं, चाहे मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, कर्नाटका, वहाँ में प्लेटूज देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत से टूरिस्ट इन प्लेटूज को देखने के लिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ज्योग्राफर्स, रिसर्चर्स भी इन प्लेटूज को स्टडी करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए जाते हैं। फिर फॉरेस्ट एरिया, जैसे हमें पता है कि फॉरेस्ट एरिया इंडिया के लगभग हर पार्ट में है, हर स्टेट में है, और फॉरेस्ट में जाने के लिए किसी तरह के परमिशन की ज़रूरत नहीं है अथॉरिटी से, तो फॉरेस्ट देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ के फ्लोरा फोना स्पीशीज को देखने के लिए। बीचेज, जैसा हमें पता है कि साउथ इंडिया का लगभग हर स्टेट के पास बहुत सारे बीचेज, जैसे कि मेरीना बीच है चेन्नई में, फिर मैरीन ड्राइव बीच है, जुहू बीच है महाराष्ट्र में, ठीक है, हर स्टेट के पास जो है कि बहुत अपने बीचेज हैं, ब्यूटीफुल बीचेज हैं, गोवा बीचेज के लिए बहुत पॉपुलर हैं, तो बहुत से टूरिस्ट इन बीचेज पे इंजॉय करने के लिए, वहाँ पे जो है कि सन की ब्यूटी को देखने के लिए, सी की ब्यूटी को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। फिर है माउंटेन्स एंड हिल्स, ऐसे हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे माउंटेन रेंज हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज है, अरावली रेंज है, रॉकीज जो है कि माउंटेन रेंज है, एंडीज माउंटेन रेंज है, शिवालिक माउंटेन रेंज है, तो इन सब को देखने के लिए बहुत से लोग डिफरेंट जो डेस्टिनेशन पर वो ट्रैवल करते हैं। बहुत से लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर उनको माउंटेन और हिल्स को देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं वो भी जाते हैं, ज्योग्राफर्स हैं वो भी जाते हैं माउंटेन्स और हिल्स को देखने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग यंगेस्ट माउंटेन को देखने के लिए इन सब स्टेट्स में आते हैं, जैसे मैंने बताया जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ उन्हें हिमालय देखने को मिलता है जो कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज में से एक है। इसके अलावा अगर ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अगर आपको देखना है तो आप उसके लिए राजस्थान जा सकते हैं, साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब और नॉर्दर्न पार्ट गुजरात में जा सकते हैं, जहाँ पे आपको अरावली रेंज देखने को मिलेगा, जो कि अपने जो कि ओल्डेस्ट जो है कि माउंटेन रेंज में से एक है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि जो कम ऊंचे पहाड़ होते हैं उन्हें हिल्स कहते हैं, तो इनको देखने के लिए भी बहुत सारे टूरिस्ट डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि अब माउंटेन्स हिल्स हैं तो वहाँ पे हिल स्टेशन भी डेवलप हो जाते हैं, तो उन्हें देखने के लिए भी लोग जो है कि जाते हैं। फिर वॉल्केनो हैं, बहुत सारे डेस्टिनेशन जैसा हमें पता है कि वॉल्केनो के लिए पॉपुलर हैं, जहाँ पे कुछ कुछ समय के बाद वॉल्केनो जो है कि वो फूटता रहता है, वहाँ पे इरप्शन होता रहता है, तो इसलिए भी जो है कि बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं वॉल्केनोज को देखने के लिए। डेल्टा, जैसा हमें पता है कि जैसे गंगा डेल्टा बहुत पॉपुलर है सुंदरबन में, तो वहाँ पे लोग जो है कि देखने के लिए जाते हैं गंगा डेल्टा को। वहाँ पे मैंग्रोव्स एक तरह का जो है कि पेड़ है, जो डेल्टा का जो एरिया है सुंदरबन का वहीं पर लगता है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं डेल्टाज को देखने के लिए। ग्लेशियर्स, बहुत सारे लोग जो है कि हिमालयन रीजन में ग्लेशियर्स को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पे साल भर बर्फ़ जो है कि जमी रहती है ना, तो वहाँ पे जो है कि ये बर्फ़ को देखने के लिए लोग जाते हैं, रिसर्चर्स भी जाते हैं बहुत से। फिर फ्लोरा फोना स्पीशीज, बहुत सारे लोग जो डिफरेंट फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे जो फ्लोरा यानी कि जो पेड़ पौधे के जो स्पीशीज हैं उसको देखने के लिए, फोना के जो स्पीशीज हैं उनको देखने के लिए, चाहे वो बर्ड के स्पीशीज हों, मैमल्स हों, रेप्टाइल्स हों, सबको देखने के लिए टूरिस्ट जाते हैं। फिर क्लाइमेट एंड वेदर, बहुत से टूरिस्ट जैसे हम जानते हैं कि नैनीताल गर्मी के सीजन में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा रहता है। मनाली जाते हैं बहुत से लोग, माउंट आबू जाते हैं जो राजस्थान गुजरात या वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, पंचमणि जाते हैं जो मध्य प्रदेश वगैरह लोग रह रहे हैं। तो अपने अपने चॉइस के हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, डिस्टेंस के सूटेबिलिटी के हिसाब से टूरिस्ट जो है कि क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशंस को एंजॉय करने के लिए अपने आसपास के जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि जो इंडिया का जो समर टाइम रहता है वो पीक सीजन रहता है हिल स्टेशंस के लिए, तो उस समय यहाँ पे नैनीताल में, मसूरी में, शिमला में, पंचमणि में, माउंट आबू में बहुत सी संख्या में जो है कि टूरिस्ट जाते हैं, क्योंकि उस समय उनके जो प्लेन्स में जो है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैन मेड टूरिज्म अट्रैक्शंस। एज वी नो डैट मैन मेड टूरिज्म अट्रैक्शंस आर क्रिएटेड बाई ह्यूमन बींग्स,
और ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इसको या तो प्राइमरली वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ही बनाते हैं या फिर किसी और पर्पज से बनाया जाता है, लेकिन बाद में उसको टूरिस्ट भी विजिट जो है कि करने लगते हैं, उसको देखने के लिए वहाँ पर पहुँचने लगते हैं। तो इस में जो है कि पहला जो इम्पोर्टेंट मैन मेड टूरिज्म अट्रैक्शन है वो है एम्यूजमेंट पार्क। एम्यूजमेंट पार्क में हम जैसे कि एसएल वर्ल्ड, फन सिटी, डिज्नी वर्ल्ड, इन सबको इंक्लूड करते हैं, और इनका मोटिव ही होता है अधिक से अधिक संख्या में टूरिस्ट को उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर अट्रैक्ट करना, मोटिवेट करना, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में टूरिस्ट वहाँ पहुँचें, बच्चे पहुँचें, और वहाँ पे जो राइड्स हैं, जो वाटर बेस्ड जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, उसे इंजॉय करें, जिससे कि वहाँ पे जो है कि टूरिज़्म बढ़ता है। फिर एडवेंचर एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और जो डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर उसको देखने के लिए बहुत से लोग दूसरे डेस्टिनेशंस पर ट्रैवल करते हैं। जैसे कि हमें पता है ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, नेशनल गेम्स, क्रिकेट गेम्स, सॉकर गेम्स, ये सब आए दिन होते रहते हैं। तो इनमें जो है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करते रहते हैं। इसके अलावा जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको चेयर करने के लिए डेस्टिनेशंस पर जाते हैं, उस साइट पे जाते हैं जहाँ पे गेम्स चल रहे हैं, और वहाँ पर वो जो है कि मोटिवेट करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, मैन मेड टूरिज्म अट्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये अधिक से अधिक संख्या में टूरिस्ट को वहाँ पर वो जो है कि मोटिवेट करता है ट्रैवल करने के लिए। फिर है सिनेमाज थिएटर, नाइट लाइफ एंड क्यूजीन। जैसे कि पता है कि बहुत सारे लोग जब किसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई जैसे कि कोई थिएटर है, कोई जो है कि वो बहुत पॉपुलर है, उसको एक अलग तरीके से बनाया गया है, तो वहाँ पे लोग मूवी देखने चले जाते हैं, या फिर कोई टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन पर पहुँचा और उसी समय उसके फेवरेट हीरो या एक्टर या एक्ट्रेस की जो है कि फिल्म रिलीज हुई है तो वो उसे देखने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से लोग जैसे कि हैदराबाद जब जाते हैं तो रामोजी फिल्म सिटी देखने के लिए जा सकते हैं, मुंबई गए तो वहाँ की फिल्म सिटी देखने के लिए जा सकते हैं, आप किसी डेस्टिनेशन पर पहुँचे आपको पता लगा कि वहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है वो आप देखने के लिए जा सकते हैं, या फिर आपके शहर में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है तो आप वो देखने के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, आप जो है कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो वो भी जो है कि सिनेमा एंड थिएटर्स में जो है कि आता है। फिर क्यूजीन्स आ गया, क्यूजीन जैसे कि हमें पता है बहुत से इंडिया का हर स्टेट डिफरेंट क्यूजीन्स के लिए पॉपुलर हैं, हर स्टेट की अपनी क्यूजीन है, तो उसे देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी बहुत से टूरिस्ट जाते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट का मकसद सिर्फ जो है कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या नेचुरल टूरिज्म अट्रैक्शंस को देखना ही नहीं होता है, बल्कि उनका मकसद होता है कि वहाँ के क्यूजीन्स को एंजॉय करें, उसको टेस्ट करें, उसको जो है कि एक्सपीरियंस करें। देन साइट्स एंड एरियाज ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट, जैसे कि हमें पता है बहुत से जो डेस्टिनेशन होते हैं, बहुत से जो साइट्स होते हैं वो अपने आर्कियोलॉजिकल जो उनका हिस्ट्री होता है उसके लिए पॉपुलर होता है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं उसके लिए वो फेमस होते हैं, और जिसके कारण वो थाउजेंड्स की संख्या में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाते हैं डेस्टिनेशन पे। उदाहरण के लिए सारनाथ, जैसे सारनाथ हमें पता है कि आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ पे रिमेन्स हैं जो धर्मराज का स्तूपा है, इसके अलावा वहाँ पे धामिक स्तूपा है, चौखंडी स्तूपा है, जो अशोकन पिलर है उसके रिमेन्स वहाँ पे हमें मिल जाते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स के हमें रिमेन्स मिल जाते हैं, तो वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसी तरह से बोध गया जो कि गया में है वो भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, कुशीनगर हो गया, तो इस तरह से बहुत से हमारे जो साइट्स हैं वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पे जो रिमेन्स हैं उसको देखते हैं और उस हिस्ट्री के बारे में जो है कि उनको देख के समझते हैं, जानते हैं। देन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, इसमें हम जैसे कि फोर्ट्स हो गए, पैलेसेज हो गए, या फिर पिलर्स, स्तूपाज, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि सांची स्तूपा हो गया, एमपी में है, वहाँ लोग जाते हैं देखने के लिए सांची स्तूपा को। अजंता लोरा केव्स हो गए महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, वहाँ लोग जाते हैं अजंता लोरा केव्स को देखने के लिए। तो ये सभी जो है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स में आ गए। फिर प्लेसेज ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, बहुत बार जो है कि बहुत सारी सिटीज ही जो है कि अपने हिस्ट्री के लिए फेमस होती है, जैसे कि दिल्ली हो गई, आगरा, लखनऊ, ये अपने हिस्ट्री के लिए फेमस है, तो यहाँ पे टूरिस्ट जो है कि इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए जाते हैं। म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज, जैसा कि मैं पता है बहुत से डेस्टिनेशन वो म्यूजियम्स के लिए पॉपुलर हैं, जैसे कि चाणक्यपुरी दिल्ली में वो रेल म्यूजियम के लिए वहाँ पॉपुलर हैं, ठीक है। इसके अलावा टॉयलेट म्यूजियम्स हैं दिल्ली में,
फिर इसके अलावा डॉल म्यूजियम है, इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम दिल्ली में, फिर नेशनल म्यूजियम है इंडिया का, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। आर्ट गैलरी, जैसे हमें पता है कि वहाँ पे आर्ट्स को जो है कि प्रेजेंट किया जाता है, कोई मान लीजिए पेंटिंग वगैरह है किसी बड़े पेंटर की, उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, जो कि जो लोग हैं वो टिकट पे करके उसको देख सकते हैं, या फिर टिकट नहीं भी है तो वहाँ पे जाके पेंटिंग्स को वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आर्ट गैलरीज में जो आर्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है किसी भी कलाकार के। देन पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि हमें पता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, फिर इसके अलावा हमारा जो है कि विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, इसके अलावा किसी मान लीजिए पार्टी का ऑफिस हो गया, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि इग्नू है, इग्नू जो है कि इंडिया का एकमात्र ODL का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको देखने के लिए लोग जा सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में, उत्तराखंड का एकमात्र उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है हल्द्वानी में, उसको देखने के लिए लोग जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा JNU को देखने के लिए लोग जा सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को लोग देखने के लिए जा सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की श्रेणी में आते हैं। फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इसमें हम टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा, इन सबको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कोई भी जो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट को जो है कि वो मोटिवेट करता है कि वो जाए और जो उसके गॉड एंड गॉडसेज हैं उनको प्लीज करें, उनको जो है कि प्रे करें, तो वो जो है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की श्रेणी में आता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिम्बायोटिक और मिक्स्ड नेचर टूरिज्म अट्रैक्शंस। इसमें हम उन टूरिज्म अट्रैक्शंस को इंक्लूड करते हैं जो कि नेचर द्वारा बनाए जाते हैं और मैन उनको यूज करना शुरू कर देता है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जैसे कि फ्लावर फेस्टिवल, फ्लावर्स जैसा हमें पता है वो नेचर द्वारा बनाए जाते हैं, और ये अगर कोई फ्लावर फेस्टिवल लगाया जाए, फ्लावर्स का एग्जीबिशन लगाया जाए और वहाँ पे टूरिस्ट आए, तो वो जो है कि क्योंकि वो अरेंजमेंट सारा मैन ने किया है, हॉल का अरेंजमेंट, सब चीज़ों का अरेंजमेंट मैन ने किया, टिकट्स का अरेंजमेंट मैन ने किया है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ उसका प्रचार प्रसार मैन ने किया है, तो इसलिए ये फ्लावर फेस्टिवल सिम्बायोटिक या मिक्स्ड नेचर टूरिज्म अट्रैक्शन की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से मैंगो फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल में जैसा हमें पता है बहुत से जो मैंगो की वेराइटीज़ हैं उसको जो है कि प्रेजेंट किया जाता है, उसका एग्जीबिशन लगाया जाता है, वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उसे देखने के लिए, खरीदने के लिए, जानने के लिए मैंगो की डिफरेंट स्पीशीज को। तो ये भी मैंगो जो है कि फेस्टिवल जो है सिम्बायोटिक या मिक्स्ड नेचर टूरिज्म अट्रैक्शन में आ जाएगा। इसी तरह से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, ये सब भी सिम्बायोटिक और मिक्स्ड नेचर टूरिज्म अट्रैक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज हैं वो तो नेचर ने बनाया है, लेकिन वहाँ पे जो बाउंड्री बनाई है, वहाँ पे जो नियम बनाए गए हैं कि आप जो कि अपने मर्जी से तो जा नहीं सकते हैं नेशनल पार्क में, आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ पे गेट्स हैं, फिर वहाँ पे टाइम है, आप जो है कि साल भर नहीं जा सकते हैं या फिर 24 घंटे नहीं जा सकते हैं, दिन के समय आपको जाना होगा। तो ये सभी जो नियम हैं वो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, तो इसलिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी, इसको हम सिम्बायोटिक और मिक्स्ड नेचर टूरिज्म अट्रैक्शन में इंक्लूड करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट ए ऑफ फाइव फेज ऑफ टूरिज्म, डेट इज एकोमोडेशन। इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है प्राइमरी एकोमोडेशन, दूसरा है सेकेंडरी एकोमोडेशन। प्राइमरी एकोमोडेशन में हम उन एकोमोडेशन को इंक्लूड करते हैं जिसको कि टूरिस्ट के द्वारा मोस्टली प्रेफर किया जाता है स्टे करने के लिए, और यहाँ पे आपको होटल के जो जितने भी बेसिक जो फैसिलिटीज हैं, बेसिक जो अरेंजमेंट्स हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होटल के देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा रेस्टोरेंट, बार वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। पहले हम प्राइमरी और कन्वेंशनल टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमर्शियल और बिजनेस होटल, तो जैसा कि कॉमर्शियल और बिजनेस होटल के नाम से ही पता लग रहा है, ये जो है कि किसी अर्बन एरिया में सिचुएटेड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं स्पेशली। इसके अलावा नॉर्मल कोई टूरिस्ट भी रुक सकता है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग या कॉन्फ्रेंस कराना चाहता है तो वहाँ पे उनको हॉल, प्रोजेक्टर, ठीक है, इसके अलावा जो है कि होटल में रुकने के लिए रूम्स, अराइवल डिपार्चर की सुविधा, और हर तरह का जो है कि अरेंजमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है होटल के द्वारा। फिर रिसॉर्ट्स, जैसे रिसॉर्ट्स हमें पता है कि किसी नेचुरल एरिया में सिचुएटेड होता है, किसी हिल स्टेशन पर सिचुएटेड हो सकता है, रिवर बैंक में सिचुएटेड हो सकता है, आइलैंड पे सिचुएटेड हो सकता है, बीच में सिचुएटेड हो सकता है, फॉरेस्ट एरिया में सिचुएटेड हो सकता है।
तो रिसॉर्ट्स में वो लोग जाते हैं जो कि नेचर लवर होते हैं, जो कि नेचर से लव करते हैं, और वो यहाँ पे जाते हैं, कुछ दिन रुकते हैं यहाँ पे। इनडोर के साथ साथ आउटडोर गेम्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग की सुविधा हुआ सुविधा हुई, रॉक क्लाइंबिंग की सुविधा हुई, माउंटेनरिंग की सुविधा हुई, ठीक है। फिर रिवर बैंक के आसपास है, तो वहाँ पे कोई वाटर बेस्ड जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसमें जो है कि पार्टिसिपेट करा सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से फॉरेस्ट एरिया में गए तो वहाँ पे जो है कि जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है वो जो है कि करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि इसमें आती हैं। फिर फ्लोटिंग होटल्स, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये वो होटल्स हैं जो वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट करते हैं। ये जो है कि इसमें होटल्स के सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन बस ये वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट करते हैं। ये किसी ओशियन के ऊपर सिचुएटेड हो सकते हैं, रिवर के ऊपर सिचुएटेड हो सकते हैं, लेक्स के ऊपर सिचुएटेड हो सकते हैं। और फ्लोटिंग होटल्स में हम इंक्लूड करते हैं क्रूज शिप्स को, शिकारा जो हमारे बोट्स हैं, क्योंकि उसमें भी जो है कि होटल्स की जैसी सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं टूरिस्ट को। फिर रोटल्स, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, रोटल्स वो होटल्स हैं विच आर सिचुएटेड, विच आर लोकेटेड ऑन व्हील्स। और इसमें हम जो जैसे कि जो हमारे लग्जरियस ट्रेन्स हैं उसको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स हैं, महाराजा एक्सप्रेस हैं, इन सबको हम इसमें जो है कि इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें होटल की तरह सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये एक जगह से दूसरे जगह पे मूव भी कर सकते हैं। फिर हेरिटेज होटल्स, जैसा हमें पता हेरिटेज होटल्स वो होटल्स हैं जो कि किसी फोर्ट या फिर पैलेस को कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं, और यहाँ पे जितने भी बेसिक एमेनिटीज होती हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उसी फोर्ट या पैलेस के पास्ट के कल्चर को। और वहाँ पे जो भी आपके वो होते हैं अटेंडेंट्स होते हैं, जो वहाँ पे वेटर्स होते हैं, उनकी जो पहनावा होता है, उनके जो क्लोदिंग्स होते हैं, वो भी उस एरिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बजट होटल्स, बजट होटल वो हो गए जो कि सस्ते होटल्स हैं, जैसे कि 1 स्टार कैटेगरी का होटल हो गया, तो ये सस्ते होटल्स हैं और यहाँ पे जो कि अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। फिर मोटल्स हो गया, मोटल्स एज वी नो डैट दीज आर लोकेटेड ऑन हाईवेज, और ये मोटरिस्ट के लिए होते हैं, उन लोगों के लिए जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली से पटना तक जाता है बाई रोड, तो उसको रात को रुकने के लिए मोटल्स की ज़रूरत होगी, मोटल्स क्योंकि हाईवे पे सिचुएटेड होते हैं। वरना क्या होगा, टूरिस्ट को अगर किसी वो सिटी के पास से गुजर रहा है, नाइट हो गई, वो स्टे करना चाहते हैं, तो उसे सिटी के अंदर जाना होगा। मेन हाईवे से सिटी का लगभग डिस्टेंस 15-20 किलोमीटर तक रहते हैं, तो अगर उसे हाईवे पे ही कोई होटल मिल जाएगा जहाँ पे गैराज वगैरह की सुविधा भी है, फिलिंग स्टेशन की सुविधा भी है, तो वो वहीं पर रुकना प्रेफर करता है। तो इस तरह के होटल्स को मोटल्स कहा जाता है। फिर एयरपोर्ट होटल या ट्रांजिट होटल, ये वो होटल्स हैं जो कि एयरपोर्ट्स के पास सिचुएटेड होते हैं, और ये वो यहाँ पे गेस्ट रुकते हैं जिनका जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो कुछ समय के बाद है, या फिर मान लीजिए कि कोई पैसेंजर्स हैं उनके फ्लाइट जो है कि कैंसिल हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एयरलाइंस कंपनीज जो पास के जो होटल्स होते हैं एयरपोर्ट के, वहाँ पर इनकी बुकिंग करा देते हैं इस तरह के पैसेंजर्स की, जहाँ पे ये रुक सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट के जो स्टाफ होते हैं या एयरलाइंस के स्टाफ होते हैं, उनका रुकने का अरेंजमेंट भी एयरलाइंस के द्वारा एयरपोर्ट होटल्स में ही कराया जाता है, क्योंकि वहाँ पे नज़दीक में सिचुएटेड होते हैं। इंटरनेशनल होटल्स, इंटरनेशनल होटल्स में हम 1 स्टार कैटेगरी से लेके 5 स्टार डिलक्स तक के होटल्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें रेस्टोरेंट, बार जो है कि हर तरह के जो रूम्स के कैटेगरी है उसको इंक्लूड करते हैं हम। सारे इसमें आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, फूड एंड बेवरेज, सब कुछ जो है कि इसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट नहीं हो रहा है, देन सप्लीमेंट्री होटल्स। सप्लीमेंट्री होटल्स में हम उन होटल्स को इंक्लूड करते हैं जो कि रुकने की सुविधा तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्राइमरी एकोमोडेशन की तरह नहीं, यानी कि यहाँ पे रुकने की सिर्फ सुविधा रहती है और यहाँ पे बाकी आपको डिपार्टमेंट्स नहीं मिलेंगे, रेस्टोरेंट हो सकता है आपको ना मिले, बार की सुविधा आपको ना मिले, ठीक है। इसमें हो सकता है आपको नॉर्मल एक रिसेप्शन मिल जाए या फिर वो भी ना मिले, और आपको जो है कि रूम मिलेगा रुकने के लिए। तो इसमें पहले हम इंक्लूड करते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट। बेड एंड ब्रेकफास्ट जो है कि एक बजट कैटेगरी का एकोमोडेशन रहते हैं, इसमें कि आपको नाइट स्टे के लिए रूम मिलता है और इसके साथ साथ सुबह आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो कि सिर्फ नाइट स्टे करना चाहते हैं और सुबह होते ही जो है कि निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। फिर
फिर हॉस्टल, हॉस्टल जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हॉस्टल्स रहते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स रहते हैं, फिर इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस में हॉस्टल्स रहते हैं, तो इसमें जो गेस्ट वगैरह आते हैं वो भी रुक सकते हैं, इसके अलावा जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर रुकते हैं। यूथ हॉस्टल्स, जैसा कि हमें पता है कि यूथ हॉस्टल्स यूथ्स के लिए बनाए जाते हैं, और ये यूथ्स एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकें दूसरे कल्चर के यूथ से, और वहाँ उनकी संस्कृति के बारे में जान सकें, तो इसलिए जो है कि यूथ हॉस्टल्स को बनाया जाता है। इंडिया में चाणक्यपुरी में इंडिया का पहला यूथ हॉस्टल बनाया गया था, और अभी इंडिया में जो है कि लगभग हर जगह पे यूथ हॉस्टल्स हैं, और यंगस्टर्स को चाहिए कि वो इस तरह के यूथ हॉस्टल्स में रुके, क्योंकि यहाँ पे उनको चीप रेट में और गुड क्वालिटी का हाइजीनिक जो है कि खाना मिल जाता है, और वो जो है कि जो दूसरे स्टेट्स के यंगस्टर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, उनके कल्चर के बारे में जान सकते हैं। फिर फॉरेस्ट लॉज, इस तरह के जो लॉज हैं वो किसी फॉरेस्ट एरिया के पास सिचुएटेड होते हैं, या फिर नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, वहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेस्ट होते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं, या फिर कोई अधिकारी वगैरह हैं वो यहाँ रुकते हैं, उनके रुकने के लिए अरेंजमेंट किया जाता है। फिर रेलवे रिटायरिंग रूम, जैसा हम जानते हैं कि ये इन्हें वेटिंग रूम भी कहा जाता है, और ये रेलवे स्टेशन पर सिचुएटेड होते हैं, और कई बार स्लीपर क्लास के लिए अलग से वेटिंग रूम रहता है, थर्ड क्लास के लिए अलग, AC 3 क्लास, AC 2 क्लास के लिए अलग से, AC 1 क्लास के लिए अलग से, तो अपने अपने टिकट के हिसाब से आप जो है कि यहाँ पर रुक सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है कि बगल में ही कैंटीन वगैरह की सुविधा भी रहती है रेलवे की, आप वहाँ से जो है कि फूड वगैरह का भी अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। होम स्टेज आजकल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत पॉपुलर है, और होम स्टेज का मतलब है कि जब जो घर का कोई ओनर है वो अपने घर की प्रॉपर्टी का कुछ एरिया वो होटल में कन्वर्ट कर दें, और वहाँ पे टूरिस्ट के स्टे करने के लिए व्यवस्था करें, और अपने घर में ही बने खाने को टूरिस्ट को खिलाएं, टूरिस्ट से इंटरेक्ट हों, टूरिस्ट को मौका मिले कि वो जो घर के लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट हों, वहाँ के कल्चर के बारे में जान सकें, जो वहाँ का लोकल क्यूजीन है उसको खा सकें। तो ये जो है कि जो कॉन्सेप्ट कहलाता है होम स्टेज, और होम स्टेज का जो कॉन्सेप्ट है आजकल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बहुत पॉपुलर है, आपको हर जगह पूरे कुमाऊँ में पूरे गढ़वाल में जो है कि होम स्टे का कॉन्सेप्ट मिलेगा। धर्मशाला, धर्मशाला जो है कि सबसे चीपेस्ट जो है कि एक टाइप है एकोमोडेशन का, और इसमें जो बिल्कुल लो बजट कैटेगरी के टूरिस्ट हैं वो जाके यहाँ पे स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सस्ते रूम मिल जाते हैं 100, 200, 250 रुपये तक में, और जो है कि यहाँ पे जो गद्दे वगैरह हैं वो साफ़ सुथरे नहीं मिलते हैं, कॉमन वॉशरूम रहता है, जितने भी धर्मशाला में लोग जो स्टे करते हैं वो उस कॉमन वॉशरूम को ही यूज करते हैं। फिर है लॉज, लॉज जो है कि धर्मशाला से थोड़ा अपग्रेडेड जो है कि वो रहता है, एकोमोडेशन का टाइप है, थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है, इसमें आपको जो है कि अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है, और इसका जो है कि 500-600 रुपये तक में ये आपको लॉज में एक कमरा मिल जाता है नाइट स्टे के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अवर थर्ड ए, डेट इज़ नोन एज एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी को हम ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं, और इसमें हम एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड करते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्रांसपोर्टेशन और नॉन शेड्यूल्ड ट्रांसपोर्टेशन। शेड्यूल्ड ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया जो कि पहले से अपना टाइम टेबल को वो रिलीज करते हैं, उसको जो है कि पब्लिश करते हैं, और उसी हिसाब से टाइम टेबल को फॉलो करते हुए वो फ्लाइट्स की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। नॉन शेड्यूल्ड जो एयरलाइंस हैं उसमें हम लोग चार्टर प्लेन्स वगैरह के जो सुविधाएं हैं उसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें जो है कि आप जब आपका अगर कोई ग्रुप है, आप ग्रुप में जाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, तो आप जो नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइंस की सुविधा है उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हम बहुत सारे जो मोड्स हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन के उनको इंक्लूड करते हैं, जैसे कि क्रूज शिप, शिप, फिर फेरीज हो गए, मोटर बोट हो गए, कैनाल बोट हो गए, इन सबको इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि हम कई बार वाटर बॉडी को इंजॉय करने के लिए या फिर एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। फिर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में हम जो इम्पॉर्टेंट जो ट्रेन्स हैं उसको इंक्लूड करते हैं, इसके साथ साथ जो लग्जेरियस ट्रेन्स हैं जो कि स्पेशली टूरिस्ट के लिए स्टार्ट की जाती हैं, जैसे कि पैलेस ऑन व्हील्स हो गया,
महाराजा एक्सप्रेस हो गया, ये सबको इस पर इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा टॉय ट्रेन से उसे भी टूरिस्ट इंजॉय करते हैं, टूरिस्ट जो है कि यूज करते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। जैसा हमें पता है टॉय ट्रेन कालका शिमला के लिए चलता है, तो बहुत सारे टूरिस्ट जिनको शिमला जाना होता है तो वो कालका से टॉय ट्रेन ले लेते हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन है, माथेरन में है, ठीक है। तो इन सब जगह पर जो है कि टूरिस्ट इन सबको इंजॉय कर सकते हैं। फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन में हम जो है कि जो वॉल्वो बस हैं, नॉर्मल बस हैं, ऑटो रिक्शा, रिक्शा इन सबको इंक्लूड करते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन भी टूरिस्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से यूज करते हैं। देन फोर्थ ए ऑफ टूरिज्म इज एमेनिटीज। एमेनिटीज हो गई बेसिक सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रोवाइड करना चाहिए। और कई बार डेस्टिनेशन ही नहीं, जैसे कि कोई अगर टूरिस्ट एकोमोडेशन कोई लेता है, कोई एकोमोडेशन का रूम लेता है, तो वहाँ पे जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं होटल के द्वारा वो भी एमेनिटीज की श्रेणी में आ गई। जैसे कि वहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटी है, जिम की फैसिलिटी है, पार्लर की सुविधा है, टेलीविजन की सुविधा है, ये सब भी जो है कि होटल के लिए एमेनिटीज हो गई। तो जब डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, एटीएम की फैसिलिटी है, ताकि कोई कैश वगैरह निकालना हो, ज़रूरत पड़ गई तो टूरिस्ट जो है कि निकाल सकता है। फिर 24 आवर्स अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर्स अगर इलेक्ट्रिसिटी आए डेस्टिनेशन पे तो वहाँ पे जो है कि टूरिस्ट अधिक संख्या में जाता है, क्योंकि जनरेटर वगैरह का जो है कि उससे पोल्यूशन वगैरह बहुत होता है, एनवायरनमेंट को भी और नॉइस पोल्यूशन भी बहुत होता है। फिर मेडिकल फैसिलिटी, बहुत सारे कई बार क्या होता है कि टूरिस्ट को मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, फिर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई उसे, या फिर कुछ जो है कि टूरिस्ट जो है कि बीमार है, लेकिन एकदम से मान लीजिए उसे हार्ट अटैक आ गया, उसे कुछ भी जो है कि दिक्कत हो गई, मेडिकल उसे जो है कि इमरजेंसी हो गई, तो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फिर फूड एंड बेवरेज फैसिलिटीज, इस पर हम लोग रेस्टोरेंट हो गया, हमारे कॉफ़ी शॉप्स हो गए, टी शॉप हो गए, इन सबको इंक्लूड करते हैं। तो टूरिस्ट जब एक डेस्टिनेशन पे होता है, एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन को देखने के लिए गया होता है, तो उसे रेस्टोरेंट की ज़रूरत होती है, ताकि वहाँ पे वो दोपहर का जो भोजन है, लंच है, उसे कर सके, या फिर अगर नाइट हो गई है तो नाइट का डिनर कर सकें। फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सिक्योरिटी में हम जैसा कि जानते हैं आजकल टूरिस्ट पुलिस जितने भी इंपॉर्टेंट ASI के मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जिनको ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है कि वो टूरिस्ट को कोई इमरजेंसी हो गई, टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस कंडीशन में टूरिस्ट की हेल्प कर सकें। अगर टूरिस्ट पुलिस की मान लीजिए सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे पुलिस का अरेंजमेंट होना चाहिए डेस्टिनेशंस के पास, ताकि टूरिस्ट को कोई जो है कि लोकल अगर कोई पर्सन जो है कि उनको परेशान कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको पुलिस जो है कि वहाँ पे टूरिस्ट को बचा सके, सेफ कर सके। फिफ्थ एंड लास्ट ए ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इज एक्टिविटीज। एक्टिविटीज़ में हम इंक्लूड करते हैं वो कोई भी एक्टिविटी जो कि टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन पर जाकर करता है, जैसे कि फ़िशिंग। कोई अगर टूरिस्ट फिशिंग करता है, फ़िशिंग उसका पर्पज़ है एक डेस्टिनेशन पर जाके करना, तो वो फ़िशिंग उसकी एक्टिविटी कहलाएगी। बहुत सारे टूरिस्ट हैं वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे शॉपिंग के लिए जाते हैं, जैसे जब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है दिल्ली में, तो बहुत से लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज से भी आते हैं एग्जीबिशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव, तो वहाँ पे बहुत से जो इंडियंस हैं वो जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत से लोग बनारस जा सकते हैं बनारसी साड़ी खरीदने के लिए, भदोही जा सकते हैं कारपेट खरीदने के लिए, ठीक है। फिर बोटिंग, बहुत सारे लोग जो नैनीताल आते हैं तो वो नैनी लेक में, सात ताल में बोटिंग के लिए जाते हैं, तो वो बोटिंग उनकी एक्टिविटी हो गई। फिर बहुत से लोग जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, जैसे कि वाइट वाटर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, तो वो ये सब एक्टिविटीज जो है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 5 H के बारे में डिस्कशन किया, अट्रैक्शन, एकोमोडेशन, एसेसिबिलिटी, एमेनिटीज़ एंड एक्टिविटीज़। इसमें से 3 जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं, अट्रैक्शन, एकोमोडेशन, एसेसिबिलिटी, और जो चौथा और पांचवा है एमेनिटीज और एक्टिविटीज़, ये जो है कि अलग से हैं, और इन पांचों को मिला के हमारे 5 H बनते हैं। कोई किसी डेस्टिनेशन पे अगर अट्रैक्शन, एकोमोडेशन, एसेसिबिलिटी है तो भी वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन अगर वहाँ एमेनिटीज अगर नहीं है, एमेनिटीज जो है कि है लेकिन बहुत कम है, या फिर उतने बेटर क्वालिटी में नहीं है, तो टूरिस्ट जो है कि वहाँ पे अगली बार ट्रैवल करने के लिए मोटिवेटेड कम होगा, और वो दूसरे भी जो टूरिस्ट हैं उनको वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए मना करेगा। क्योंकि जैसे मैं इंडिया का ही अगर उदाहरण दूँ, तो इंडिया में जो अट्रैक्शन, एकोमोडेशन, एसेसिबिलिटी शुरू से ही रहा है,
लेकिन यहाँ पे टूरिज्म बाकी कंट्रीज के मुकाबले कम रहा है। कारण कि यहाँ पे जो हमारे पास एमेनिटीज जो थी वो कम थी, वो जो है कि उतनी वर्ल्ड क्लास लेवल की नहीं थी। और बाकी जब हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, मलेशिया की बात करते हैं, इंडोनेशिया की बात करते हैं, अमेरिकन कंट्रीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे दिमाग में, हमारे ध्यान में मॉन्यूमेंट्स बाद में आते हैं, पहले यहाँ की खूबसूरती आती है, पहले यहाँ की एमेनिटीज का जो है कि ध्यान आते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले, सबसे ज़्यादा एमेनिटीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।